ये नशे के खिलाफ़ सर, ये तो बहुत अच्छा संदेश है इसका जो सजग उसका है, क्योंकि नशा जो है सबसे पहले इसमें एक तो हमें अपने परिवार से ही इसको वो करना चाहिए। जब हम स्वयं अपने पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, उसके बाद परिवार के बाद अपने पड़ोसी और पड़ोसी के बाद फिर कॉलोनी का हमारा जो है एक संकल्प लेंगे, तो एक दूसरे को इस प्रकार से जो नशे वाली वस्तुएँ हैं इनका सेवन न करें। और जो अगर ऐसे कोई नशे का सेवन करते हुए पाया गया है तो उसको समझाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ऐसा है कि अगर उसको डांटेंगे वो करेंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि डांट करके झगड़ा हो सकता है, लेकिन समझाएं कि इससे हमें जो है नुकसान होता है हमारे परिवार का, इसमें जो है हमारे परिवार में कलह होता रहता है, फिर परिवार के बाद कलह आगे बढ़ जाता है, कॉलोनी तक बढ़ जाएगा। इसलिए नशा जो है वो करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है। पहले तो मेरा ये रहता है कि जो नशे वाली वस्तुएँ हैं, अगर जहाँ पर ये दुकानें हैं इस प्रकार से, उस दुकानदार के पास जा कर के उसको भी समझाएं कि भाई ये नशे वाले जो वस्तुएं हैं ऐसे दुकानों में न रखा जाए, तो सबसे पहले दुकान में नहीं आएगा तो हम उसका सेवन नहीं कर पाएंगे। और अगर दुकान में रहता है तो फिर जो ऐसे नशे वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं या उनको अगर हमारे सामने कोई लेता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने का हमें प्रयास करना चाहिए।